इंदौर के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में मंगलवार को नारी शक्ति का सम्मान समारोह रखा गया, जहां कोरोना काल में सेवा देने वाली कोरोना योद्धाओं का डॉक्टरों की मौजूदगी में सम्मान किया गया। इंदौर दंत महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर देशराज जैन ने बताया कि कोरोना काल में पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने आमजन को सेवा दी है, जहां चिकित्सक, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों का खास सहयोग रहा। वुमेन्स डे, डेंटिस्ट डे के अवसर पर मंगलवार को डेंटल कॉलेज महाविद्यालय के सभागार हॉल में आयोजन हुआ, जहाँ कविता पाटीदार, पूनम तोमर राणा, नेहा जैन, नीता सिसोदिया, डॉक्टर योगेश पंत, आर पटेल का सम्मान किया गया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जैसे करेंगे तो हमेशा सक्सेस मिलेगी, मजबूरी में काम करेंगे तो हमेशा बोझल होगा, तो अपना बोल सोचे, ढूंढे और एंजॉय करें। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बस यदि आप अपने बोल के साथ एंजॉय करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरा, कोविड में आज हम ये 3-in-1 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डेंटिस्ट डे और कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स डे भी हम डेंटिस्ट्री में मनाते हैं। तो ये संयोग है कि ये दोनों तीनों डे जो हैं एक साथ आसपास आए हैं, तो आज हमने इन तीनों का आयोजन किया है। मुख्यतः इसमें हमने जो कहा है कि महिला दिवस पे ज़्यादा दिया है, तो महिलाओं को आमंत्रित किया है। हमारी चीफ गेस्ट कविता पाटीदार मैडम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हम या इस पर कुछ पत्रकार महिला साथियों का इसमें सम्मान कर रहे हैं, और इसमें एंडोडोंटिक्स के ऊपर डॉक्टर पंत, योगेश पंत यहाँ अच्छे क्लिनिशियन हैं, उनका एक लेक्चर रखा है हमारे छात्र छात्राओं के लिए। और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को सुनें और महिलाओं से जो शेयर की नॉलेज को शेयर करें। और कोविड में विशेषकर जो हम लोगों ने संघर्ष किया, जैसे कि कोविड में 4 स्तंभ थे जो कोविड से संघर्ष कर रहे थे। सबसे पहले चिकित्सक जगत के लोग, जो डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल वाले, दूसरे पत्रकार, तीसरे हमारे नेता, जन नेता लोग, और जो चौथा वर्ग था वो ये था कि हम लोग पत्रकार हो गए, चिकित्सक हो गए, जन नेता हो गए, और एक था अपना प्रशासन। इन चारों लोगों ने मिलकर एक सिंक्रोनाइज वे में कोरोना से लड़ाई लड़ी और हम कोरोना की लड़ाई जीते। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जैसे कि अपन अगर याद करें कि हमारी ज्योति बिंदल मैडम डीन उस टाइम थी, पूर्णिमा गार्गी मैडम CMHO के कार्य कर रही थी, इन्होंने डे आउट एंड डे नाइट करके काम किया। इसी तरह पत्रकारों में देखें तो नीता सिसोदिया मैडम हैं, नेहा जैन पीपल्स ग्रुप की हैं, मनीषा दुबे मैडम हैं, बाकी। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन मैं चूँकि महिला दिवस का अवसर है तो महिलाओं को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ अगर हम राजनीतिक में लें तो कविता पाटीदार मैडम जो आज हमारी चीफ गेस्ट हैं, मालिनी गौड़ मैडम हैं, उषा ठाकुर मैडम हैं, ये लोग डे आउट एंड डे नाइट कोरोना में काम करते रहे। इन्होंने बिल्कुल डरे नहीं कोरोना से और प्रिकॉशन लेते हुए उसका सामना किया। इसी तरह हमारी अगर प्रशासन में देखें तो सपना सोलंकी मैडम थी, कीर्ति खुरासिया मैडम थी और पृथ्वी पाल मैडम जो हमारी कमिश्नर, इन सब लोगों ने, महिलाओं ने, चूँकि महिला दिवस का अवसर है तो महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल का काम किया वो प्रशंसनीय है, उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना ये हमको इनसे सीखना चाहिए। ये मैं आज अपनी ओर से कहना चाहूँगा। इसमें ऐसा है कि महिलाओं के बारे में तो हिंदुस्तान में आपको मालूम है, जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ऐसा एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है। और ऊपर से लेकर नीचे तक यदि हम इतिहास भी देखें तो हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है कि कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, उन्होंने आज़ादी में अपना रोल करा है, शिक्षा में दिया है, विज्ञान में दिया है। तो महिलाएं आज कहीं भी कमतर नहीं हैं, हम समान लोग हैं, समान उससे चल रहे हैं, और आज का ये प्रोग्राम हमने उसी उद्देश्य को लेकर करा है। तो मैं आज सभी का आभारी हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली माधवी का पाटीदार, संध्या जैन मैडम, अलका गुप्ता मैडम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और ये प्रोग्राम निश्चित रूप से हमारी युवा महिलाओं को, हमारे युवा छात्र छात्राओं को प्रेरित करेगा कि हमें पुरानी सोच को छोड़कर महिलाओं से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, बराबर सम्मान देना चाहिए और बराबरी का उनको हक देना चाहिए, उनको किसी भी स्तर पर
हमें कम नहीं आंकना चाहिए। मैं डॉक्टर देशराज जैन, प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।